हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला मैं यहाँ पे काफी कमाल के फीचर्स के बारे में जो कि यहाँ पे नेक्स्ट 2.9 अपडेट में आने वाले हैं। तो बीजीएमआई पबजी दोनों के अंदर यहाँ पे सेम ही अपडेट आएगा, तो ये फीचर्स आपको बीजीएमआई के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे और काफी जल्दी अब यहाँ पे जो अपडेट है वो भी आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला फीचर आता है यहाँ पे एक नया व्हीकल रायंडीर। तो एक बिल्कुल एक कह सकते हैं जो नया व्हीकल है वो आने वाला है नेक्स्ट अपडेट में। और ये वाला जो व्हीकल है ये आपको जो नया थीम मोड होगा उसके अंदर आपको स्पेशली देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक यहाँ पे डियर टाइप का यहाँ पे जो लग रहा है पूरा नया व्हीकल, एक टॉय डियर टाइप का यहाँ पे थोड़ा सा थीम लग रहा है इसका। और आपको जगह जगह पे यहाँ पे जो व्हीकल है आपको मैप के अंदर देखने को मिल जाता है। तो मोटरसाइकिल के जैसे ही आप यहाँ पे इस नए क्रिसमस थीम्ड व्हीकल को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो, और जैसा मोटरसाइकिल पे होता है कि आपका यहाँ पे सिर्फ जो पिस्टल है या फिर जो SMGs है वो यहाँ पे वर्क करती है, वैसे अगर आपका कोई टीममेट पीछे बैठेगा तो उसके साथ भी यहाँ पे यही होने वाला है। और इवन यहाँ पे जैसा बाइक के साथ यहाँ पे हेल्थ और उसका जो फ्यूल होता है वो होता है, वैसे ही आपको इसे यहाँ पे जो टॉय रायंडीर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो सही में यहाँ पे काफी क्यूट सा एक नया व्हीकल उन्होंने ऐड किया नेक्स्ट अपडेट के लिए, काफी मजेदार लग रहा है यहाँ पे जो पूरा इसका लुक है। इसके आप जो कंट्रोल्स है उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने, यहाँ पे एक स्पेशल व्हीकल है ये। और आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे इसकी एक जो स्पेशल स्किन है वो यहाँ पे A4 के रॉयल पास की आई थिंक रैंक 100 या फिर जो रिडीम है वहां पे आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्पेशल व्हीकल आ रहा है अपने जो नए थीम मोड में, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक स्ले है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। वो फिर से आपको मैप के कहीं भी यहाँ पे रोड साइड में पड़ा हुआ मिल जाएगा, आप उसको भी इवन यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो जब तक आपको यहाँ पे जो सामने वाला पार्ट उसका डियर वाला पार्ट वो नहीं मिलता। और जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं तो आप अपने यहाँ पे 2-सीटर व्हीकल को यहाँ पे जो 4-सीटर व्हीकल बना सकते हो। बस आपको जैसे ही अपना यहाँ पे जो स्ले आप इसको पास लेके जाओगे डियर के, तो अपने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे लिंक का, और उस पर टैप करने से आपका जो कह सकते हो स्ले है वो अटैच हो जाता है। और फिर यहाँ पे काफी कमाल की चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे अपना जो पूरा व्हीकल है वो यहाँ पे लैंड व्हीकल से एक एयर व्हीकल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 मीटर की हाइट पे यहाँ पे लेके जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे नया थीम मोड। तो अभी यहाँ पे थीम मोड रिलीज नहीं हुआ बीटा में, लेकिन यहाँ पे थीम मोड कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे अपना जो विंटर फेस्टिवल 2.0 या फिर जो स्नो फेस्टिवल 2.0 है वो आने वाला है। और ये वाला जो मोड है आप कह सकते हो यहाँ पे एरंगल लिविक और उसके बाद यहाँ पे जो विकेंडी मैप है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे जो थीम मोड है वो फाइनली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी टाइम के बाद कोई मोड आया विकेंडी में या फिर पहला ही मोड है यहाँ पे थीम मोड जो आ रहा है विकेंडी में। और इस मोड में आपको यहाँ पे जो तीनों मैप्स हैं उस पे आपको जगह जगह पे यहाँ पे जो स्नो है जो विंटर रिलेटेड यहाँ पे जो डेकोरेशंस है आसपास मैप के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ यहाँ पे जो स्नोमैन है स्नो हट्स है वो यहाँ पे ऐड होंगी, और साथ में यहाँ पे इस अपडेट के साथ यहाँ पे जो स्केटबोर्ड है वो भी यहाँ पे वापस आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बॉम्बिंग जोन फ्रोजन चेस्ट और कुछ स्किल्स हैं जो कि आपको नए मोड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे एक नया वेदर स्पेशल इफेक्ट जो होते हैं वहाँ पे फिर से एक नया वेदर को ऐड किया गया है। पहले आपको पता है कि आपको यहाँ पे जो सनी उसका डस्क और एक नाइट वेदर मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे नाइट की जगह यहाँ पे जो वेदर है उसको यहाँ पे विकेंडी मैप की तरह यहाँ पे कर दिया गया। जो नॉर्दर्न लाइट्स वाला वेदर विकेंडी में था वैसे यहाँ पे अब जो एरंगल है आप उसके अंदर अगर कोई यहाँ पे वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ पे उसको शिफ्ट कर सकते हो। ये भी एक काफी मस्त वेदर देखने को मिल रहा है, और माइट भी यहाँ पे जो थीम मोड आ रहा है उसके अंदर हमें जो वेदर है वो देखने को मिल जाए कुछ कुछ लोकेशंस पे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे PMGC 2023 यहाँ पे जो थीम एरंगल। तो जो नेक्स्ट अपडेट है तो बीजीएमआई के अंदर तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अपना जो ग्लोबल है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि उसका जो स्पॉन आइलैंड होगा वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उसके कुछ आइटम्स यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एयर ड्रॉप है, ये रे रोबोट है, और इवन अगर आप मैच खेलोगे तो आपको जो शॉप है वहां पे भी आपको जो PMGC की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप मैच विन करते हो तो लास्ट की यहाँ पे ट्रॉफी के अंदर भी यहाँ पे जो PMGC का लोगो है यहाँ पे बी धवन उसका स्लोगन है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है नेक्स्ट फीचर लॉबी क्रिएशन मोड। तो आपने गेम के अंदर तो क्रिएशन मोड को देख लिया है, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट है तो उसके अंदर लॉबी के अंदर भी यहाँ पे एक मोड ऐड होने वाला है जहाँ पे आप दोस्तों फुल स्क्रीन के अंदर अपनी फेवरेट लॉबी के साथ यहाँ पे जो इमोट्स हैं वो यहाँ पे कर सकते हो और एक टाइप का जो वीडियो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये फीचर 2.9 में इंट्रोड्यूस होगा, और अभी यहाँ पे सिर्फ जो इमोट्स हैं और आपको कह सकते हो जो आउटफिट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गेम फॉर पीस के अंदर ये फीचर काफी पहले से है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो आप जो थीम सॉन्ग है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, अपनी जो लॉबी है वो यहाँ पे लगा सकते हो, और अपने जो आउटफिट्स हैं वो यहाँ पे सेट करोगे। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्ले करोगे तो वो जो तीनों के तीनों इमोट्स हैं वो यहाँ पे एक साथ प्ले होंगे, और इसी टाइम के बीच आप अपने जो आउटफिट्स हैं उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हो जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो। तो फ्यूचर में कुछ और चीजें भी यहाँ पे ऐड होंगी इस क्रिएशन मोड के अंदर। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे न्यू ऑडियो कंट्रोल्स। तो गेम के अंदर कुछ साउंड्स हैं जो कि अगर आप 100% पे या सुनते हो तो कभी कभार परेशान भी करते हैं, तो उसका भी आप कह सकते हो जो कंट्रोल बटन है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फायर आर्म है बुलेट्स की यहाँ पे साउंड को भी आप रिड्यूस कर सकते हो, पर सिर्फ 80% तक यहाँ पे कम कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो व्हीकल की साउंड है यहाँ पे उसकी ड्राइव करने की या फिर इंजन स्टार्ट होने की साउंड, तो उसको भी आप यहाँ पे कम कर सकते हो। और एक ऑप्शन यहाँ पे क्विक वॉइस का है, तो आई थिंक यहाँ पे आपका जो इन गेम कमांड्स आती है तो आप उसकी भी जो वॉइस उसको भी यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो।
देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर और सॉर्ट ऑफ इवेंट आप कह सकते हो जो कि आएगा नेक्स्ट अपडेट में 2.9 में, जैसा आपको पता है कि एक जो एक्सूट है वो आने वाला है, एक अल्टीमेट एक्सूट होगा। तो यहाँ पे इस एक्सूट का नेम भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, इसका जो नेम होगा वो है यहाँ पे फ्योरे एक्सूट। तो 7 स्टार का यहाँ पे जो एक्सूट है वो होगा, और अगर आप इसके नेम को सर्च करते हो तो कुछ इस टाइप का जो एक्सूट का लुक है वो यहाँ पे सामने आता है। काफी सारी यहाँ पे गेम्स कुछ स्टोरीज में यहाँ पे जो एक्सूट का करेक्टर है वो दिखता है। तो मेमोरीज के बाद फिर से यहाँ पे आप कह सकते हो एक टाइप का जो फीमेल एक्सूट है वो यहाँ पे लग रहा है, कुछ यहाँ पे क्रिसमस टाइप की वाइब्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, कुछ कुछ यहाँ पे जोकर टाइप की भी हैं। तो इस नेम के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो एक्सूट है वो कैसा हो सकता है, चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे 2.9 का वाव। तो वाव के अंदर यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेंज आएंगे, अब बीजे में क्या पता है यहाँ पे 2.9 तक इंट्रोड्यूस हो जाए, बट अभी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2.9 अपडेट के अंदर वाव के अंदर काफी सारे यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो 2.9 अपना पूरा यहाँ पे विंटर थीम है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्नो टेम्पलेट है वो आपको देखने को मिल जाता है, पूरा यहाँ पे स्नो विलेज है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे काफी सारी यहाँ पे जो आप कह सकते हो कैसल टाइप की यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कुछ नए डिजाइन की वो ऐड की गई हैं, कुछ नए टेक्सचर हैं, वॉल के टेक्सचर्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर देख सकते हो यहाँ पे एक भर भर के यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, स्नोमैन, अपना जो एयर ड्रॉप, डक, टेडी बियर्स, और काफी सारी यहाँ पे जो किचन टाइप की आइटम्स हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। इवन यहाँ पे कुछ स्नो वेजिटेशन है वो भी यहाँ पे ऐड की गई है। फिर यहाँ पे काफी सारे गेम प्ले डिवाइसेस भी ऐड किए गए हैं। पहला यहाँ पे ये वाला डिवाइस है, इसके अंदर आपको जो फायर, स्नो, लाइट और इवन यहाँ पे जो स्मोक का इफेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये एक और डिवाइस है, इसके थ्रू आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो और उसको कुछ एक्शन दे सकते हो। देन एक्सपी डिवाइस है, अपने प्लेयर को यहाँ पे कुछ एक्सपी दे सकते हो और उससे फिर यहाँ पे कुछ एक्शन है वो यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पे जो स्नोबोर्ड है वो भी यहाँ पे देखने को मिल गया, तो यही वाला जो स्नोबोर्ड है वो यहाँ पे हमारे थीम मोड में आएगा। बाकी यहाँ पे जो एनिमी डिटेक्शन ग्रेनेड है, तो इसके थ्रू एनिमी को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो आप वाव के अंदर। फिर यहाँ पे जो 2.8 में जॉम्बी मोड आया था, तो उसके जॉम्बीज है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो तीनों के तीनों यहाँ पे जॉम्बीज है, इनके भी आप जो साइजेस है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा 2.9 के अंदर वाओ के अंदर यहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ आपको यहाँ पे जो स्नो मोबाइल है और स्नो बाइक है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे न्यू इमोट्स का, यहाँ पे जो कैटेगरी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब तक आपको पता कि आपको जो ऑप्शन मिलता है इमोट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करने का वो सिर्फ यहाँ पे 12 है, लेकिन 2.9 के बाद यहाँ पे जो सारे स्लॉट्स थे यहाँ पे इसको 12 से यहाँ पे 24 तक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो एक बार में आप 24 इमोट्स हैं वो यहाँ पे कैरी कर सकते हो गेम के अंदर। फिर दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे प्रॉप हंट मोड। तो वाओ के अंदर यहाँ पे जो प्रॉप हंट मोड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफी सारी यहाँ पे जो नई स्किल्स हैं वो यहाँ पे ऐड होंगी। इन स्किल्स के थ्रू क्या होगा कि आपका जो करेक्टर है वो दोस्तों यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा ना उस मैप पे उसमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वीडियो में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मेरा करेक्टर है वो यहाँ पे डक से लेके बेंच, उसके बाद कोन, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एयर ड्रॉप, काफी सारी चीजों में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। जो जो चीज आपको यहाँ पे मैप देखने को मिल जाती है ऑलमोस्ट सभी में यहाँ पे जो आपका करेक्टर है वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो एक प्रॉपर यहाँ पे हाइड एंड सीक मोड आप कह सकते हो 2.9 में हमें देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ स्किल्स जो कि आपको इस मोड के अंदर काम आएंगी, जैसे कि आप अपने करेक्टर को यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हो ताकि वो यहाँ पे छुपा रहे एनिमी से, स्मोक वाली स्किल भी यहाँ पे ऐड होने वाली है। देन फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पे कुछ न्यू स्पेशल इफेक्ट्स देख सकते हो यहाँ पे, जैसे डायनासोर के आए थे और अपना लास्ट ज़ॉम्बी के आए थे, तो वैसे यहाँ पे अपना ये वाले स्पेशल इफेक्ट्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट अपडेट में। देख सकते हो यहाँ पे काफी क्यूट सा यहाँ पे जो स्नोमैन है वो है, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ऐसा यहाँ पे जो स्नोमैन है वो हमें यहाँ पे अपना जो हमारा मोड आएगा थीम मोड उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी A4 रॉयल पास में DBS की अपग्रेड स्किन आ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो 2.9.1 वर्जन है तो उसके अंदर जो DBS के डैमेजेस हैं वो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे सेम ही है जैसे कि ऑफिशियल वर्जन में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 2.9 अपडेट में। चाहो तो कमेंट से बताना कि आपको यहाँ पे कौन सा फीचर अच्छा लगा 2.9 का। बाकी अब यही था आज की वीडियो, आपको जो बताना था ज्यादातर मैं यूट्यूब के रीति रिवाज है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।